मोहम्मद समीर जो कि 22 साल के हैं, बीबीए कर रखा है लेकिन अपना फ्राइज स्टोर खोल रखा है जिसमें 35 किस्म की फ्राइज जो हैं ये सेल करते हैं। इनको ये आइडिया कैसे आया और ये कितना अर्न कर लेते हैं हम इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि आपने क्या पढ़ा हुआ है, एजुकेशन क्या है? मैंने बीबीए किया हुआ है। कहाँ से? सुपीरियर यूनिवर्सिटी की तरफ से। सुपीरियर यूनिवर्सिटी से बीबीए किया हुआ है। अच्छा, आमतौर पे तो जो लोग बीबीए करते हैं उनकी डिग्री को इतना वर्थ इट नहीं समझा जाता। मैं खुद भी एक बीबीए हूँ इसलिए मैं कह रही हूँ, लेकिन अगर करना चाहे कोई तो आपने जैसे स्टार्ट किया, इस तरह स्टार्ट करना आसान काम है या मुश्किल है? देखें, वो विल की बात है। एक इंसान जब एक चीज़ को ट्राई करता है तो वे डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं पहुंच जाता है। मैं यही कहूंगा कि जब आप किसी चीज़ का अज़म करते हैं तो आप कहीं ना कहीं पहुंच जाते हैं। तो यही था मेरे में, पहले एक ड्रीम था मेरे पास जिसको मैंने अचीव करना था। पॉलिश नहीं था मैं, लेकिन उसको ऐसा ऐसा मैंने हार्डवर्क के साथ पॉलिश किया और ऐसा ऐसा अब मैं 22 का हूँ। जैसे कि मेरी अपनी 3 ब्रांचेज हैं तो नथिंग इज पॉसिबल। 3 ब्रांचेज है, कहाँ कहाँ है? हमारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ये बेसिक टारगेट है। एक ये है, दूसरी हमारी मिनहाज यूनिवर्सिटी के अंदर है, तीसरी सुपीरियर यूनिवर्सिटी के अंदर। अच्छा, आप कितना ज्यादा अर्न कर लेते हैं और स्टार्टिंग में आपको कोई लॉस भी हुआ था? जी, हमारा ये जब जैसे साल हो गया तो हम 8 माह लॉस में ही थे, क्योंकि ये एक ऐसा विजन था जो कि लोगों को पहले मालूम नहीं था, क्योंकि फ्राइज को सारे के सारे एक साइड आइटम के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। तो डेफिनेटली इसको एक मेन आइटम को लेके आने में, लोगों को दिखाने में और ये अपना विजन जो है वो शो कराने में काफी टाइम लगा मुझे। कितना लॉस? काफी ज्यादा, यानी कि डिपेंड करता आपका जो डेली की वेचर जो एक्सपेंसिस है, मैं जो लेके आता था ना वो बिकता नहीं था, तो डेफिनेटली वो मेरा लॉस ही था। अच्छा, ये लोगों को इसका जो है अभी पता नहीं है कितने टाइप के फ्राइज हैं और कौन कौन सी इसमें जो है फ्लेवर्स हैं? इसमें 34 से 35 काइंड ऑफ वैरायटीज हैं और इसके अंदर हमने सेगमेंटेशन की हुई है। जैसे कि जो सिल्वर फ्राइज हैं उसके अंदर हमारे फ्लेवर्स हैं, जो हमारे गोल्ड मेन्यू है उसके अंदर आप अपनी फ्राइज खुद बना सकते हैं, और जो हमारा तीसरा प्रीमियम मेन्यू है उसके अंदर आप सारे के सारे जो है फ्लेवर्स हैं और आपके लोडेड फ्राइज हैं जिनको आप खुद डिजाइन कर सकते हैं और आप खा सकते हैं। अच्छा, आपके सबसे अच्छे वाले जो फ्राइज हैं वो कौन से? अच्छे सारे के सारे हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है कि जो चीज़ ही खाता है उसको चीज़ ही पसंद है। जो फ्लेवर्स में, यानी कि क्रंची खाना पसंद करता है उसमें हमारे अलग फ्लेवर्स हैं, स्पाइसी के लिए अलग हैं, जो माइल्ड हैं वो अलग हैं, तो सब में अपने अपने क्वालिटी में बैठते हैं। अच्छा, ठीक है। अब आप लॉस में से निकल आए हैं, लेकिन अब आप कितना अर्न कर रहे हैं ये बताएं। देखें, ये एक ऐसी चीज़ है बिजनेस जिसमें वेरिएशन होती रहती है, तो डेफिनेटली मैं एक नहीं बता सकता कि इतना कमा लेता हूँ, लेकिन स्टिल मैं ये कहूँगा इसमें रेवेन्यू बेस्ड होता है जो 3 से 5 लाख के दरमियान होता है, तीनों ब्रांचेस का। मंथली तीनों ब्रांचेस कम नहीं है? ठीक है, बस ठीक है। अच्छा, फिलहाल के लिए सब बढ़ रही है ना, एक चीज लो से निकलना और बाद में इस तक आना तो काफी बेहतरीन है। सबसे बड़ी चीज ये कि मेरे जो कस्टमर्स हैं वो लॉयल हैं और वो ऐसा ऐसा बढ़ ही रहे हैं, कम नहीं हो रहे, कम नहीं हो रहे, बढ़ रहे हैं। अच्छा, आपको नहीं लगता है कि जो हम लोगों को पढ़ाया जाता है और जो हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ में आके करते हैं वो पढ़ाया तो जाता है वो ABC होता है और जो हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ में आकर वो XYZ होता है, बिल्कुल डिफरेंट होता है? ऐसे ही है, क्योंकि हम जो पढ़ते हैं वो प्रैक्टिकल नहीं होता और जो प्रैक्टिकल होता है वो हम पढ़ते नहीं है। तो डेफिनेटली जब आप किसी चीज में इन्वॉल्व होते हैं तो आपको तब जाके उसकी डेप्थ का पता लगता है कि यार नीचे क्या क्या है। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा है आपका ये स्टार्टअप से लेकर अब तक का? मेरा स्टार्टअप, मैं यही कहूंगा कि शुरू में जो मेरा एक माइंडसेट था कि यार सब मैं आसानी से अचीव कर लूंगा, सेम टू सेम ये वैसे नहीं होता, काफी हर्डल्स थी मेरे पास, क्योंकि एक तो मेरी एज ऐसी है कि हर बंदा आपको कुछ ना कुछ कहता है इस लिहाज से कि यार आप नहीं कर सकते, तो डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ करने के लिए उनको दिखाना पड़ता है कि यार मैं कर सकता हूँ। तो यही है कि स्टार्टअप को जब मैंने शुरू किया था तब मेरी मोटिवेशनल लेवल जो कुछ और था और अब मैं कुछ और हूँ, तो डेफिनेटली ये डिफरेंट है। अच्छा, जब स्टार्ट किया था तो अम्मा अब्बा ने जो है वो बैकअप किया था या उन्होंने कहा था कि रहने दो बेटा आप जॉब कर लो तो ज्यादा बेहतर है? असल में बैकग्राउंड बिजनेस फैमिली से ही है, लेकिन उन्होंने इस बात पे कहा था कि अगर आप फ्राइज वेंचर पे जा रहे हो तो इट्स नॉट अ सूटेबल बिजनेस, तो आप कुछ ना कुछ डिफरेंट करो, तो ये बात थी। लेकिन उसके बाद जब मैंने उनको कह दिया कि मैंने करना है तो उन्होंने मुझे बैक ही किया काफ़ी हद तक, क्योंकि एक आपका इमोशनली स्ट्रेंथ जो होती है वो बहुत जरूरी होती है बिजनेस को करने के लिए, तो वो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा दी। जब लॉस हुआ तो फिर अम्मा अब्बा ने डांटा नहीं कि देखा हमने मना किया था तो लॉस हो गया ना? लॉस जब हुआ था तो सर उस दौरान मेरे पास ये था कि मैं घर जब जाता था तो ये था जो सोसिस थी ना वो मेरी वालदा बना के दे रही थी कि यार तुमने अब पीछे नहीं हटना, क्यों तुमने अब ये करना है, तो डेफिनेटली मेरे वालिद साहब थे वो रोज आके मेरी ड्यूटी दे रहे थे कि आपने टेंशन नहीं लेनी, तो ये था वो ऐसा ऐसा उन्होंने कवर अप किया, तो सपोर्टिव पेरेंट्स थे मेरे, तो अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है। अच्छा, अभी भी सोसिस जो है वो वालदा ही बना? सोसिस का जो शुरू से हमारा जो है ना ये बेस भी उन पे कर रहा है, मेरी वालदा ही बनाती है। वेरी गुड। आपको यहाँ पे हाइजेनिक फूड, फ्राइज और बहुत सारी वैरायटी और इसके साथ साथ माँ के हाथ की सॉसेजेस जो हैं वो मिल रही हैं, और इन्होंने जैसे बताया कि स्टार्टिंग में लॉस में जा रहा था इनका बिजनेस और कोई भी चीज़ हम लोग को थाली में रख के परोसी नहीं जाती है,
हम लोगों को हर चीज के लिए मेहनत करनी पड़ती है, जो कि इन्होंने की। आप अगर अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको स्टार्ट में खुदा ना खास्ता लॉस से गुजरना होगा, तब जाके आप जो है कुछ अर्न कर पाएंगे और कुछ बन पाएंगे। तो इसी के साथ अपनी एंकर को दीजिए इजाजत, एक नए प्रोग्राम के साथ दोबारा हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।